थ्री फोर फाइव हो रहा है, काउंटर वैल्यू इज 1 2 3 4 5, लेकिन वहां अपडेट क्या हो रहा था, सारा ही अपडेट होता था। मतलब शायद पढ़ो मेरे पास, द करंट वैल्यू ऑफ काउंटर इज 4। इस केस हमने कहा था कि रिएक्ट ये जावास्क्रिप्ट का प्लेन कोड है, इनर एक्सटीमल हम चेंज कर रहे हैं, तो अगर आप कोड चेक करोगे तो इनर एक्सटीमल क्या होगा, सारा ही अपडेट हो रहा है। देखो क्योंकि हमने वहां कोड ही लिखा हुआ है, टाइम आउट पे क्या करो, इनर एक्सटीमल की वैल्यू कर दो, करंट वैल्यू ऑफ काउंटर इज वॉट 22। तो जावास्क्रिप्ट तो नहीं देखता ना पुराना क्या पड़ा, उसको तो पता है इनर एक्सटीमल सारा का सारा क्या है, चेंज करना। अब ये सेम कोड हम राइट कर रहे हैं फिलहाल। इसमें अगर आप देखोगे तो हमने क्या ऐड किया था, सिंपल एक काउंट नाम से वेरिएबल, एक टाइमर नाम से फंक्शन जो काउंटर को इंक्रीमेंट करेगा और डॉक्यूमेंट डॉट इंटर एचटीएमएल में कंटेंट डाल देगा। सेट इंटरवल में हमने इस फंक्शन को दे दिया आफ्टर एवरी 1000 मिलीसेकंड। अब ये रिएक्ट पर आ रहे हैं, तो मैं एक कॉम्पोनेंट और अलग से क्रिएट कर रहा हूं, सी टाइमर डॉट टीएसएक्स, टाइमर कंट्रोल बना रहा हूं। तो इंपोर्ट रिएक्ट रिएक्ट लाइब्रेरी से पहले इसे इंपोर्ट कर लिया, तो एक्सपोर्ट डिफॉल्ट हमने क्लास बनाई, क्लास कॉल्ड सी टाइमर, द क्लास एक्सटेंड्स द क्लास कॉल्ड रिएक्ट डॉट कॉम्पोनेंट। ये सी टाइमर को मैं थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स भी शायद करूंगा, कि मैं ये मान रहा हूं सी टाइमर कॉम्पोनेंट टैग का जब आप यूज करोगे तो आप मुझे इनिशियल वैल्यू दोगे कि काउंटर शुरू कहां से करें, 10 से करूं, 50 से करूं, या कहां से स्टार्ट करूं, इनिशियल वैल्यू दोगे। इनिशियल वैल्यू का मतलब है कि जब आप इस सी टाइमर नाम से कॉम्पोनेंट का यूज करोगे, मैं यहां पर सी टाइमर को यूज करता हूं, सी टाइमर को जब मैं यहां पर यूज करूंगा तो बताऊंगा व्हाट इज माय इनिशियल वैल्यू, इनिशियल इक्वल टू व्हाट, 50 है भाई, मेरा काउंटर 5 से स्टार्ट करेगा। क्लियर है? अभी एरर आ रहा है क्योंकि सी टाइमर क्या होना चाहिए, प्रॉप्स रिसीव करेगा, प्रॉपर्टीज रिसीव करेगा इनिशियल टाइप की, तो सी टाइमर के ऊपर आए तो मुझे प्रॉप चाहिए। सो टाइप लाइक से कॉल्ड सी टाइमर प्रॉप्स है, क्या रिक्वायर्ड है, इनिशियल, कॉलम क्या है, नंबर। वेरिएबल में स्टेट में भी, मतलब इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक वेरिएबल कहां जाएगा, स्टेट में भी जाएगा। सो टाइप कॉल्ड सी टाइमर, स्टेट ले लिया मैंने, और स्टेट वेरिएबल में क्या डाला, काउंटर कॉलन नंबर, ठीक है। अब क्लास के ऊपर आते हैं, तो पहले तो काउंटर की स्टेट को मैनेज करने के लिए हमने स्टेट इक्वल्स टू काउंटर नाम से वेरिएबल, और काउंटर वेरिएबल की वैल्यू क्या डाली है, दिस डॉट प्रॉप्स डॉट क्या डाल दिए, मतलब जो आपने इनिशियल वैल्यू मुझे दी 5, मैंने काउंटर को इनिशियलाइज किससे कर दिया, 5 से कर दिया, पिछली बारी किससे किया था 1, इस बारी मैंने कहा प्रॉपर्टी में एक प्रॉपर्टी आ रही है कॉल्ड इनिशियल, उसकी वैल्यू से काउंटर को क्या है, इनिशियलाइज कर दो। कंपोनेंट करना है, करेगा क्या, रेंडर मेथड को कॉल करेगा, रेंडर एक रिटर्न कर रहा है, फिलहाल मैं इसमें सिर्फ यही कर रहा हूं, अ डिव विच रिटर्न्स काउंटर वैल्यू इज, और आगे मैं वैल्यू दे रहा हूं, कहां पड़ी है, दिस डॉट स्टेट डॉट क्या है, इतना ही है। अब मुझे तो क्या लगाना है, टाइमर लगाना है, सो टाइम आउट ऐड करना है, टाइम आउट के लिए कोड लिखना पड़ेगा ना, सेट टाइम आउट कोड लिखना पड़ेगा, कहां लिखे, फंक्शन होता तो डायरेक्ट कोड लिख सकते थे, क्लास है, क्लास में क्या आते हैं, या तो वेरिएबल आते हैं या फंक्शन आते हैं, डायरेक्ट कोड तो आते नहीं, इसका मतलब मुझे कोड कहां लिखना पड़ेगा, फंक्शन के अंदर ही लिखना पड़ेगा। अगर क्लास के अंदर मैं फंक्शन बनाऊंगा तो फंक्शन को क्या करना पड़ेगा, कॉल भी करना पड़ेगा, रेंडर को हम कॉल करते हैं नहीं करते, तो ऐसा मुझे एक और फंक्शन चाहिए जिसे मैं कॉल ना करूं और क्लास उसे अपने आप क्या है, कॉल कर ले, दैट इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टर। जैसी क्लास का इंस्टांस बनेगा, दैट इज व्हाट, जैसी टैग को आप यूज करोगे कंस्ट्रक्टर कॉल कर लेगा, क्योंकि मैं किसी दूसरे फंक्शन में कॉल करूंगा तो भी तो मुझे उसे कॉल करना पड़ेगा ना, कहां कॉल करूं, फिर वही कंफ्यूजन रहेगी, तो मैं यहां पर क्या बना रहा हूं, एक कंस्ट्रक्टर ही बना रहा हूं, सिंपल कंस्ट्रक्टर बना दी, एरर देनी स्टार्ट कर दी उसने, क्योंकि डिफॉल्ट रिएक्ट के अंदर जो कंस्ट्रक्टर है वो प्राइवेट है। कंस्ट्रक्टर एक आर्ग्यूमेंट का मुझे रिक्वायर्ड है जो बेसिकली प्रॉप्स जिसमें वो रिसीव करता है,
रिएक्ट का कंपोनेंट क्या रिसीव करता है, प्रॉपर्टीज जो आपने भेजी है उसे रिसीव करता है वन सिंगल पैरामीटर में इन अ कंस्ट्रक्टर है। तो आपको भी अगर प्रॉप्स रिसीव करनी है तो आपको अपना कंस्ट्रक्टर बनाओ, लेकिन कैसा बनाना पड़ेगा, प्रॉप्स रिसीव करेगा। ऑफ टाइप व्हाट, सी टाइमर क्या है, प्रॉप्स है भाई। प्रॉप्स क्या है, ऑब्जेक्ट बनते ही, टैग बनते ही हम एडिशनल एट्रीब्यूट दे रहे हैं, दीज आर पास एज व्हाट, प्रॉपर्टीज है। क्लास कंपोनेंट है तो क्लास कंपोनेंट के केस में क्या कॉल होगा, कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, और ये सारी प्रॉपर्टीज आपको रिसीव भी करनी है किसमें, प्रॉप्स में आपने रिसीव भी कर ली। हालांकि काम आप कम करते हो फिलहाल, इसीलिए मैंने यहां पर यही प्रॉपर्टीज को किसको भेजना है, सुपर को भेजना है, ताकि रिएक्ट अपने पास इन्हें एज अ प्रॉपर्टीज में क्या करे, रजिस्टर कर ले। तो मेरा काम कंस्ट्रक्टर बनाना है, बट कंस्ट्रक्टर विद वन पैरामीटर प्रॉप्स टाइप का, और ये जो प्रॉप्स है ये सुपर मेरी बेस क्लास को क्या देना है, मुझे फॉरवर्ड करना। अब आगे का कोड मैं लिख सकता हूं, क्या लिखना है, सेट इंटरवल लिखना है, सेट इंटरवल को एक फंक्शन में कॉल क्या करवाना है, हमने कहा दिस डॉट सेट स्टेट, स्टेट की वैल्यू को चेंज कर दो और काउंटर बढ़ा दो, काउंटर कॉलन दिस डॉट स्टेट डॉट काउंटर प्लस क्या वन है, एक एक बढ़ा दो, दिस डॉट क्या आएगा, सेट स्टेट, ऑब्जेक्ट कॉल्ड काउंटर, उसकी वैल्यू को क्या कर दिया, एक एक बढ़ा दिया, तीन बार तो कर नहीं रहा कि मुझे प्रीवियस स्टेट का यूज करना पड़े, एक ही बार लगा रहा हूं, आफ्टर एवरी व्हाट 1000 मिलीसेकंड है, हर 1000 मिलीसेकंड्स के बाद कॉल करवा दिए। आउटपुट आपके सामने ही है कि सी टाइमर, टाइमर ऑटोमेटिकली चल रहा होगा, तो एग्जैक्टली वो जो चलेगा क्या करेगा, बेस क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करने के लिए, कि जो प्रॉपर्टीज हम यूजर से रिसीव कर रहे हैं उसे बेस क्लास कॉल्ड कंपोनेंट को क्या करे, रजिस्टर कर सके, ताकि उस कंपोनेंट को यूज किया जा सके, उन प्रॉपर्टीज को यूज किया जा सके। तो अभी फिलहाल मैंने लोकली रिसीव की और मैंने कंपोनेंट क्लास को दे दी कि वो रजिस्टर कर लेगी। सो नाउ आई कैन सी कि आउटपुट क्या आ रहा है, काउंटर वैल्यूज इंक्रीज हो रही है, बट इंपॉर्टेंटली चेक करो वो जो डिव हमने बना रखा है क्या वो पूरा का पूरा डिव अपडेट हो रहा है, वी नीड टू सी दैट। देखो काउंटर वैल्यू इज, आप देख रहे हो ब्लिंक क्या कर रहा है, सिर्फ नंबर कर रहा है, काउंटर वैल्यू इज ब्लिंक नहीं हो रहा, वो बता रहा है सारा चीज चेंज नहीं हो रही, सिर्फ क्या चेंज हो रहा है, तो मैं उतना ही पोर्शन क्या कर रहा हूं, रेंडर कर रहा हूं बार बार, रेंडर मुझे पूरा फंक्शनल पूरा क्लास कॉम्पोनेंट ही करना है, लेकिन मेरे पास क्या पड़ा है, वर्चुअल डॉम की कॉपी पड़ी है प्रीवियस की, एक वर्चुअल डॉम और एक क्या पड़ा है, प्रीवियस वर्चुअल डॉम पड़ा है, दोनों को कंपेयर करने के बाद मैं आइडेंटिफाई करता हूं चेंज कहां हुआ है, काउंटर इस तो पहले की तरह है, तो चेंज क्या हुआ है, वेरिएबल, वेरिएबल को सिर्फ क्या करेगा, अपडेट करेगा। कॉपीज रिएक्ट बैकग्राउंड में स्टोर करके रखता है ना, दो कॉपीज बनाता है, एक वर्चुअल डॉम और एक प्रीवियस वर्चुअल डॉम, क्लियर हो गया, सिंपल काउंटर प्रोग्राम। पहला कोड इसमें आपने ये भी सका कि कोड कहां लिखना है, किसी फंक्शन और एल्स व्हाट कंस्ट्रक्टर में, वो आगे अलग बात है कि हम लाइफ साइकिल पढ़ेंगे कंपोनेंट का, तो लाइफ साइकिल में भी कोड